बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली काशकार। भाई आज हम मकई के खेत के अंदर मौजूद हैं। ये आप मेरे पीछे मकई देख सकते हैं, ये सारी मकई लगी हुई है इधर। अभी तकरीबन 10 से 12 दिन हुए हैं इस मकई को लगे हुए। काश्तकार भाइयों, अगर आपने मकई की फसल काश्त की हुई है तो याद रखें, उगाओ के बाद फौरन ही जो है आपको एक स्प्रे करनी है, क्योंकि उगाओ के फौरन बाद जो है वो इसके ऊपर एक जो है वो कोंपल की मक्खी, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में शूट फ्लाई कहते हैं, वो जो है हमलावर हो रही होती है। वो किस तरह से हमला करती है और किस तरीके से नुकसान पहुँचा रही होती है वो हम आपको दिखा रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुताबिक हमारी जितनी भी वीडियो होती है वो आपको वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, ये कोंपल की मक्खी जो है किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही होती है और इसके खिलाफ किस तरीके से आपने कौन सा स्प्रे करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है कोंपल की मक्खी का थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा कि ये कोंपल की मक्खी या शूट फ्लाई जिसे कहा जा रहा होता है, ये आमतौर पर फरवरी मार्च के महीने में जो बहारिया हम फसल काश्त करते हैं मकई की, उसके ऊपर हमलावर होती है। लेकिन जो मौसमी मकई होती है या खिजा की मकई उसे कह लें, या जो इस वक्त जो है वो अगस्त के महीने में जो काश्त की जा रही है मकई, उसके ऊपर इसका हमला कदरे कम होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में नहीं होता, बल्कि कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे इसका हमला वाकई देखने में आ रहा होता है। इस वक्त भी जो है ये खिजा की जो है मौसमी मकई लगी हुई है और इसके अंदर जो है वो शूट फ्लाई ने हमला किया हुआ है। काश्तकार भाई, वो कोंपल की मक्खी जो है वो उगाओ के बाद पहले महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही होती है, और जिस जो पौधा जो है वो कोंपल की मक्खी से ज़्यादा डैमेज हो जाता है उस पर क्या होता है कि उसके ऊपर छली जो है वो नहीं लगती, तो इस तरह से ही पैदावार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका नुकसान देखने में आता है। काश्तकार भाई, ये जो शूट फ्लाई है या ये जो कोंपल की मक्खी है, ना सिर्फ ये मकई की फसल के ऊपर हमलावर हो रही होती है बल्कि इसके अलावा ज्वार की फसल है उसके ऊपर भी हमला करती है, चरी जिसे कहा जाता है, या इसके अलावा जो है बाजरे की फसल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही होती है। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से ये हमलावर होती है और पत्तों को जो है वो इस तरीके से खुरच के ख़राब करती है, कोंपल के ऊपर हमला करती है, कोंपल को ख़राब करती है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो इस तरीके से ये देखें, ये पौधे को जो है पौधों को ख़राब कर रही होती है। मकई की फसल लगी हुई है, काश्तकार भाई ने जो है वो थोड़ा देर कर दिया है, अभी तक स्प्रे नहीं की। स्प्रे फौरन जो है जैसे ही जर्मिनेशन मुकम्मल हो, यानी कि उगाओ जैसे ही मुकम्मल हो जाए, तो उसके 5-6 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्प्रे कर देनी चाहिए। ये आमतौर पे जो है वो हमलावर हो रही होती है फसल के ऊपर, तो जितनी जल्दी आप स्प्रे करेंगे उतना ही आपका कम नुकसान होगा। वरना क्या होता है कि आम जब ये कोंपल को ख़राब कर देती है तो फिर क्या होता है कि एक और पौधा निकलता है, मकई का दूसरा पौधा निकलेगा साथ से, और उसके ऊपर जो है फिर वो छली नहीं बनती। काश्तकार भाइयों, अगर इसका कोंपल की मक्खी का या शूट फ्लाई का बहुत शदीद तरीके का हमला हो जाए तो 80 से लेकर 90% तक भी पैदावार जो है वो मुतासर हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो काश्तकार को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये देखें इस तरीके से जो है वो नुकसान कर रही होती है पौधे का, ये देखें किस तरीके से जो है इसने काफ़ी ज़्यादा पौधे का हिस्सा जो है वो ख़राब कर दिया है। तो काश्तकार भाई, इसके अलावा जो है इस खुश्क मौसम में इसका हमला जो है वो शदीद होता है, तो आप जो है वो अगर अपनी फसल को पानी लगा दें तो उससे भी जो है आप इसके हमले से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। काश्तकार भाई, इस तरीके से ये देखें, ये कोंपल को इसने बिल्कुल ख़राब कर दिया है, और इस आज हम आपको जो है वो इसकी जो मक्खी की जो शूट फ्लाई की जो सुंडी है, जो बच्चा है यानी कि जो लार्वा है इसका, वो भी आज हम आपको दिखा रहे होंगे कि वो किस तरीके का होगा, ताकि आप उसकी पहचान कर लें कि वो किस तरह की सुंडी होती है। और जब आप पहचान कर लेंगे, जब आप तशखीस कर लेंगे कि आपका दुश्मन कौन सा है, तो फिर आपको इसका इलाज करना भी आसान हो जाएगा। काश्तकार भाई, इसके अलावा जो है पहला इलाज तो इसका ये होता है कि जब आप अपनी फसल काश्त करने लगें, मकई की फसल या ज्वार बाजरे की फसल जब आप काश्त करने लगें, तो उसका जो बीज होता है उसे आप कॉन्फिडोर है या अमीडा है, जो SL फार्मूलेशन के अंदर मिल रहा होता है मार्केट से, उसके अंदर अगर आप बीज को जो है वो बीज की सीड ट्रीटमेंट करके, यानी कि बीज को वो दवाई लगा के अगर आप काश्त करेंगे, तो उससे शूट फ्लाई जो है उससे आप काफ़ी हद तक, यानी पहला जो एक महीना होता है उसमें आप उससे शूट फ्लाई से बच सकते हैं। तो शूट फ्लाई का ज़्यादातर जो हमला हो रहा होता है वो उगाओ के बाद पहले महीने के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही होती है, तो उसके बाद तो हम दानेदार जहर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उससे फिर जो है वो हम बच सकते हैं इन शूट फ्लाई से या तने की सुंडी से। तो काश्तकार भाई, आप बीज सीड ट्रीटमेंट करके आप पहले महीने जो है वो शूट फ्लाई के हमले से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर कीमियाई तरीके, अगर ये बीमारी आ गई है तो फिर आपने कौन से स्प्रे करने हैं, कीमियाई तरीका कौन सा अपनाना है जिसके ज़रिए जो है वो आप
जो है इसका इलाज कर रहे होंगे, तो वो आज हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है कि आपने गैमा साइहेलोथ्रीन जो जहर है उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं अरिस्टा कंपनी के पास, वो आपको मिलेगा प्रोवैक्सिस के नाम से। वो अगर आप 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो आप जो है वो शूट फ्लाई या कोंपल की जो मक्खी है उसका काफ़ी हद तक तदारक कर सकेंगे, यानी कि उसके हमले से आप काफ़ी हद तक बच सकेंगे। काशकर भाई, इसके अलावा अगर दूसरी ऑप्शन की बात की जाए तो आप बाइफेंथ्रिन भी किसी अच्छी कंपनी का, अगर बाइफेंथ्रिन जो है वो 330 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करवाएंगे तब भी जो है आप इस शूट फ्लाई से, जिस तरह के ये हमला करती है और कोंपल को ख़राब करती है, इस शूट फ्लाई से आप बच सकेंगे। तो काशकर भाई, अगर अच्छी कंपनी का बाइफेंथ्रिन की बात की जाए तो FMC का बहुत अच्छा टाल स्टार मिल रहा होता है मार्केट में, वो अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। इसके अलावा काशकर भाई, आपने क्या करना है कि काशकर भाई, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इसने हमला किया है पौधे के ऊपर, किस तरीके से ये हमला करती है, ये आप गौर से देख लें अपनी फसल के अंदर, इन अलामात को देखें। अगर आपको अपनी फसल के अंदर ये अलामात नज़र आती हैं, आपने मकई की फसल काश्त की हुई है और आपको पौधे जो हैं वो इस तरीके के आपको पत्ते नज़र आते हैं, या इस तरीके से आपको काले रंग के जो हैं वो फजला जो है वो नज़र आता है, या आपको जो है वो कोंपल के अंदर सुंडी नज़र आएगी, जो कि हम आपको आज दिखा रहे होंगे कि वो किस तरह से सुंडी नज़र आएगी। कोंपल है काशकर भाइयों, इसके अंदर आप देखें ये सुंडी जो है अभी मेरे हाथ को लगी हैं, दो सुंडियाँ। तो ये मैं जूम करके जो है कैमरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँगा कि किस तरह की ये सुंडी होगी। काशकर भाई, ये हैं वो दो सुंडियाँ, ये कोंपल की मक्खी है जिसकी सुंडियाँ हैं, जिसके लार्वे हैं, जो कि आपकी मकई की फसल को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। अगर आप इनका रंग देखें तो ये तकरीबन सफ़ेद सा रंग है इनका, और इनका जो सर है इनके वो काले रंग के हैं। बहुत छोटा साइज़ है जो आपको बड़ा मुश्किल से इस कैमरे के अंदर नज़र आ रहा होगा। ये मैंने अपनी हथेली के ऊपर दो इसके लार्वे रखे हैं, इनकी आप पहचान कर लें, अच्छे तरीके से पहचान कर लें ताकि इनका इलाज कर सकें। आप भी अपनी फसल में इसे तलाश करें, और अगर आपको ये नज़र आता है तो फ़ौरन स्प्रे की तरफ जाएं, क्योंकि जितना आप स्प्रे को लेट करेंगे उतना ही आपकी जो पैदावार है वो मुतासर हो रही होगी, क्योंकि ये पौधे को बहुत ज़्यादा इब्तदाई स्टेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फसल का नुकसान कर रही होती है। काशकर भाइयों, अगर आपने ज्वार बाजरा या मकई की फसल आपने लगाई हुई है अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए, तब आपने इसका कैसे किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो काशकर भाई, अगर आपने चारे के लिए भी फसल लगाई हुई है तो तब भी आप जहर का स्प्रे कर सकती हैं, लेकिन आपने फिर क्या करना है कि आपने कम अज़ कम 3 हफ्ते तक जो है उस चारे को काटना नहीं है, यानी कि चारा काटने से 3 हफ्ते पहले आपने स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के 3 हफ्ते के बाद आपने चारा अपने जानवरों को नहीं खिलाना, क्योंकि जब वो चारा जो है अगर आपने स्प्रे किया है और उसे नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ही अगर आप अगले हफ्ते में ही अगर आपने वो चारा जानवरों को खिलाना शुरू कर दिया तो उससे क्या होता है कि वो जितनी भी स्प्रे होती हैं उसके जो ज़र्रात होते हैं, जहरीले मादे जो होते हैं जो फसल के अंदर मौजूद होते हैं, वो जब हमारे जानवर खा लेते हैं, फिर वो जब दूध बनाते हैं और वो दूध जो है वो हमारे छोटे बच्चे जब उसे ख़ास तौर पर पी रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें मसले मसाइल आते हैं उनके हाजमे के अंदर या उनके पेट ख़राब होने में, किस तरह के काफ़ी मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो काशकर भाई, आपने जो है वो इसकी ख़ास एहतियात करनी है कि आपने चारे वाली फसल के अंदर कम अज़ कम 3 हफ्ते पहले आपने स्प्रे करना है। काशकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काशकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।